तो ये रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि आप क्या कर सकते हैं अगर साइबर क्राइम की ठगी जो है वो आपके साथ हुई है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं, अनुज अग्रवाल हमारे साथ है साइबर एक्सपर्ट, उसके साथ ही मिलिंद राज हमारे साथ है टेक एक्सपर्ट। मिलिंद राज का हम रुक कर लेते हैं। मिलिंद, चूंकि अमूमन ये चीजें हो गई हैं और ये रोजाना हम देखते हैं किसी ना किसी के साथ ठगी हो जाती है, बचने की क्या चीजें हो सकती हैं, क्या आपको करना चाहिए वो हमें अनुज जी ने बताया यहाँ पर, लेकिन ये तमाम जो चीजें हैं क्या सिक्योर हो सकती है, फिर इसको लेकर कोई काम किया जा रहा आगे ताकि लोगों को बचाया जा सके? जी बिल्कुल, जैसे कि अभी सभी ने हमारे गेस्ट ने डिस्कस किया था कि ओटीपी शेयर नहीं करनी चाहिए, ये एक गोल्डन रूल है। साथ ही साथ एक चीज और होती है, कभी कोई चीज जो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ऑफर दिखे, जैसे कि एक बार व्हाट्सएप पे एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा था कि केबीसी की लॉटरी लग गई है, कुछ इस तरह का स्क्रीन आपको दिखती होगी, व्हाट्सएप पे मैसेज आता था जिसमें एक नंबर भी देते थे प्रॉपर और उस पर लिखा रहता था व्हाट्सएप कॉल करिए और आपकी केबीसी की 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। तो ये एक बहुत बड़ा एक स्कैम था, ये भी साइबर क्राइम का, जिसपे बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप कॉल करके फिर उन्होंने उनकी डिटेल्स एक्सट्रैक्ट कर ली थी, वो लिंक्स भेज देते थे कि आप इस ऐप को डाउनलोड करिए। एक हमारी सलाह ये है कि जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं अगर वो कोई भी थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं तो गलती से भी उसको आप अपने फोन में इंस्टॉल मत करिएगा, बिकॉज वो फिशिंग ऐप होता है, फिशिंग ऐप का काम ही यही होता है। दूसरी चीज, अगर आप साइबर कैफे में या कहीं पे भी दूसरे कंप्यूटर पे अगर आप अपने पासवर्ड इनपुट कर रहे हैं, बैंक डिटेल्स या कोई ट्रांजैक्शन या नेट बैंकिंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो किसी भी कंप्यूटर पे की लॉगर नाम का एक ऐप होता है, ये भी एक फिशिंग ऐप है, ये भी एक मैलवेयर है, ये भी इंस्टॉल हो सकता है, जो कि आपके जो कीज आप जो प्रेस कर रहे हैं उसका एक रिकॉर्ड निकाल लेता है, जैसे आपने पासवर्ड प्रेस किया तो जो भी किया, और वो आपके जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनको डेटा भेज देता है। ऐसे केसेस में क्या होता है कि नेट बैंकिंग में दो ऑप्शंस होते हैं, या तो ओटीपी से वेरीफाई करिए या आपके कोई सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं उनसे वेरीफाई करिए। तो साइबर क्रिमिनल्स बहुत ही आसानी से आपके नेट बैंकिंग का एक्सेस निकाल सकते हैं इन फिशिंग एप्स के जरिए। दूसरा, अगर आपने एक चीज और नोटिस करने वाली बात है, जनरली जो क्रिमिनल्स आते हैं वो आपको इंसिस्ट करेंगे कि आप व्हाट्सएप कॉल करिए, वो जीएसएम कॉल को थोड़ा अवॉइड करते हैं क्योंकि सीडीआर नहीं निकल पाता है अगर आप व्हाट्सएप कॉल करते हैं तो, यानी कॉल डेटा रिकॉर्ड। तो ये हम लोगों को बस जागरूकता, अवेयरनेस एक ऐसी चीज है जो इस चीज से बचा सकती है, क्योंकि समय के साथ साथ ये साइबर क्राइम जो है, साइबर क्रिमिनल्स है, ये बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि मिलिंद, खुद से यहाँ पर लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और एक इम्पॉर्टेंट रोल गवर्नमेंट का इसमें रहेगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर लोगों को ऐसे प्रोग्राम्स में इंडल्ज करती है तो शायद लोग नहीं फंसेंगे। अनुज जी, चूंकि हम लगातार देख रहे हैं, हालांकि गवर्नमेंट भी तमाम चीजें करती है और बार बार ऐसे एडवर्टीजमेंट भी दिए जाते हैं कि आप फंसे नहीं, लेकिन बावजूद उसके लोग जो है वो ऐसे जालों में फंसते हैं और कई बार हम ये सुनते हैं, हमने आसपास के लोगों से सुनते हैं 5,000 रुपए कट गए, 65,000 रुपए कट गए, और फिर इसको लाने का जरिया सर काफी मुश्किल हो जाता है, हालांकि आप कंप्लेन कर सकते हैं लेकिन वो प्रोसेस बहुत लंबी हो जाती है। ये तो है, लेकिन सबसे जरूरी एक तो 1930 सभी लोगों को नंबर याद रखना चाहिए, अगर किसी प्रकार का साइबर फ्रॉड उनकी नॉलेज में आता है जितनी जल्दी हो सके 1930 पर बात करें, ये एक नेशनल हेल्पलाइन है साइबर क्राइम के लिए, और वहां पर अपनी सूचना दर्ज करा दें, क्योंकि आप कहीं से भी इसकी सूचना दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद हो सकता है कि आपके पैसे जो कटे हैं, जो आपके अकाउंट में डेबिट हुआ है, वो आगे जाने से रुक जाए, एक तो ये जरूरी है। दूसरी एक चीज और जो आजकल लोग बहुत ज्यादा फंस रहे हैं वो ये है कि किसी भी नंबर को हेल्पलाइन या सपोर्ट या कंपनीज के जो नंबर्स हैं उसको गूगल पर सर्च ना करें, क्योंकि सभी नंबर, जैसे आपका मान लीजिए फ्रिज खराब हो गया, आपने एलजी का नंबर ढूंढा, आपकी वॉशिंग मशीन खराब हो गई, आपने किसी दूसरी कंपनी का नंबर ढूंढा, तो वो सब नंबर फ्रॉडस्टर्स ने हाईजैक कर लिए हैं, फेक नंबर्स आपको मिल जाते हैं, कोरियर के नंबर हैं वो फेक मिल जाते हैं, तो उन नंबर से भरोसा ना करें और ट्रू कॉलर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, उस पे सारे नंबर्स फेक आते हैं, यानी कि सर ये लोगों का विश्वास बढ़ जाता है, लेकिन पूरी तरीके से डिजिटल ना हो इसका भी ध्यान रखना होगा, मेंटली थोड़ा अलर्टनेस जो है वो बहुत जरूरी है अगर आपको फ्रॉड से बचना है। बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मिलिंद जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।